यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार देख लें इस प्रॉब्लम को। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडिंग 31 अक्टूबर 2013, प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट फॉर प्रोसेस थ्री। हमें प्रोसेस थ्री का प्रोसेस बनाना है। यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड टू वैल्यू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। डायरेक्ट मटेरियल एडेड, ये मटेरियल एड हुआ है प्रोसेस थ्री में। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू इतना है, प्रोसेस फोर में इतनी गई है, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी हमारा इतना है, स्क्रैप इतना है। ओके, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मुझे लग रहा गलत है। इट शुड बी, चलिए अभी ऐसे ही मान के चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस थ्री, इसकी ओपनिंग बैलेंस इतना है मतलब, और ये 197,600 का ये मटेरियल एड हुआ है, 97,600 और 4,800 की लेबर एंड वेजेस है। ये इनकी कंप्लीशन स्टेज दी है। तो ये जो कंप्लीशन स्टेज दी है, ये जो प्रोसेस थ्री का मटेरियल है उसका है ये। प्रोसेस थ्री में जो मटेरियल ऐड हुआ है ये उसकी कंप्लीशन स्टेज है, यानी कि जो प्रोसेस टू से मटेरियल आ रहा है उसकी स्टेज नहीं है इसमें। यही इसका एक कंसेप्ट है, इसको हमें समझना है। चलो करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट। जरा लेबर एंड ओवरहेड की परसेंटेज देख लो, अलग अलग हो तो अलग अलग चाहिए। हाँ, इसमें तो अलग अलग है, नहीं, लेबर एंड ओवरहेड की परसेंटेज एक सी है, तो फिर लेबर एंड ओवरहेड हमारा एक साथ बन जाएगा। मैं क्या करता हूं, जो पुराना मटेरियल है प्रोसेस टू का, मैं उसके नाम मटेरियल टू लिख देता हूं, जो प्रोसेस थ्री में ऐड हुआ है उसके आगे मटेरियल थ्री लिख देता हूं, और लेबर प्लस ओवरहेड हमारे यहां आ जाएंगे। ये यूनिट्स हैं। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी मेरे पास 2000 यूनिट की थी। ट्रांसफर हुए हैं प्रोसेस टू से, प्रोसेस टू से कितना ट्रांसफर हुआ है, 53,000। ट्रांसफर टू प्रोसेस फोर 48,000। ये प्रोसेस फोर में ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी मेरा 5,000 यूनिट का है, ये 55,000 है, ये भी 55,000 ही होगा। अब देखिए नॉर्मल लॉस है कुछ, यूनिट स्क्रैप दिए हैं इसमें, नॉर्मल लॉस नहीं दिए। जब नॉर्मल नीचे दिया है, नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ प्रोडक्शन एंड स्क्रैप यूनिट को बेच रहे हैं ₹3 पर यूनिट पे, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस हो गया हमारा 5%। अब ये जरा ध्यान देने वाला है, इसका एबनॉर्मल लॉस थोड़ा सा अच्छा रहेगा। फाइव परसेंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ओपनिंग यूनिट मेरे पास 2000 थी, 53,000 यूनिट मेरी इंट्रोड्यूस हुई और 5,000 यूनिट मेरी अभी भी है, यानी कि 5% निकालना है मुझे 50,000 का, तो ये आया 2,500, ठीक है। तो ये हमारा 2,500, ये हमारा नॉर्मल लॉस है। ठीक है, कुछ दिख रहा है, 500 यूनिट एक्स्ट्रा हो गई है। व्हाट इज दिस, ये आपका एबनॉर्मल गेन हो गया। ओके, अब
जो 48,000 यूनिट हैं, हम कहेंगे आउट ऑफ ओपनिंग हमने 2,000 तैयार की हैं, यानी कि जो फ्रेश इंट्रोड्यूस की थी वो हमने 46,000 यूनिट तैयार की है। इनकी जरा परसेंटेज देख ले, जो ओपनिंग WIP थी वो 80% कंप्लीट थी P3 के लिए, 60% और 60% लेबर एंड ओवरहेड के लिए कंप्लीट थी, यानी कि इस पे हमने 20% काम किया है और इस पे हमने 40% काम किया है। ये हम मान के चलेंगे, ये स्टिक पॉइंट है ध्यान रखिएगा, ये मान के चलेंगे कि इसमें पुरानी प्रोसेस से पूरा मटेरियल लग चुका था। ये तो आपको पता ही है कि ये 100% 100% 100% हो जाएगा। नॉर्मल लॉस की स्टेज दी है इन्होंने, कितने कितने परसेंट कंप्लीट है। नॉर्मल लॉस आपका जो स्क्रैप्ड है वो 170-70% है, तो नॉर्मल लॉस में तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, मैं बार बार, और एबनॉर्मल गेन में 170-70 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग WIP कितना है, क्लोजिंग WIP है, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 यहाँ आएगा, ये लेबर एंड ओवरहेड 70-70 है, ये तो बाय डिफॉल्ट 100 रह गई रहेगा। ऐसे ही क्लोजिंग WIP जो है वो कितनी है, 70% कंप्लीट है, तो इसका मतलब है मटेरियल सेकंड के लिए ये 70% कंप्लीट है, लेबर के लिए 50% है और यहाँ ये 100% ही रहेगा। ये पॉइंट आप समझ लीजिए, जो मटेरियल टू है, मतलब ये मटेरियल ऑफ प्रोसेस टू है, तो जब वो प्रोसेस टू का मटेरियल है तो वो तो एक तरह से पूरी तरह से लग के आया है, जो प्रोसेस थ्री का मटेरियल है उसे हम अलग करेंगे, तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स में पूरी जगह 100% ही रहेगा। तो ये जीरो, ये 46,000, ये माइनस 500 और ये 5,000, तो ये 50,500, ये 400, 46,000 माइनस 500, 3,500, 49,400, 800, 46,000 माइनस 350, 2,500, 70% था ना, ओके वेट अ मिनट, चलिए माइनस 350, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एबनॉर्मल गेन को 100% ही मान के चलते हैं, बट चूंकि स्पेसिफिकली हमको क्वेश्चन में दिया है तो इसलिए हम उसको उसी वैल्यूज को लेके चलेंगे अपने, ठीक है, ओके। सो दिस इज हाउ मच ये हो गया हमारा 48950। अच्छा, या हम इसको 100% ही ले लें,
ये आ जाएगा 48800। ठीक है, अब हमारी दूसरी वर्किंग बनेगी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ये मटेरियल जो प्रोसेस टू से आया है और ये मटेरियल जो प्रोसेस थ्री में इनकर किया है, ये लेबर और ये ओवरहेड्स। ठीक है, जो ट्रांसफर आया है प्रोसेस टू से उसकी वैल्यू है 411,500 और जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है प्रोसेस थ्री में उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है। मटेरियल लगाया 197,600 का, लेबर 97,600 एंड ओवरहेड्स 48,800। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, हमारे पास कितनी यूनिट्स लॉस हो रही थी, 2500 यूनिट लॉस हो रही थी 3 रुपए से, तो ये 7,500। नेट कॉस्ट जो है ये 404,000, 197,600, 97,600, 48,800। इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल एक ही थी, 50,500, 49,400, 48,800, 48,800। तो कॉस्ट पर यूनिट ये 8, ये 4, 2, 1। अगर मैं टोटल कर दूं तो ये आ जाता है 15 रुपये। ठीक है ना, अब इसी चीज को थोड़ा समझना है। एवरेज में ये सिंपली कैलकुलेट हो जाता है, यहां मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू प्रोसेस फोर। देखिए, ओपनिंग WIP की जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन में दी हुई है, वो थी 25,750। इसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस था, इसके बाद जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में इनकर्ड हुई है, मटेरियल थ्री में इनकर्ड हुई है। देखिए जरा, मटेरियल थ्री में इनका 400 यूनिट और लेबर एंड ओवरहेड्स में 800 यूनिट इनकर्ड हुई है। 400, 800, 800 इंटू 4, 2, 1, 1600, 1600, 800। तो 29,750 तो वैल्यू आ गई मेरी वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP फिनिश्ड या कंप्लीटेड की। हंड्रेड परसेंट कंप्लीटेड की वैल्यू ऑफ फ्रेश
प्रोसेस्ड जो थी वो कितनी थी, 46,000 यूनिट थी, 15 रुपए के रेट से। कितना आएगा, 46,000, ये हो जाएगा 6,90,000। टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा 719750, ठीक है, 719750। ओके, अब इसी से हम अपना एबनॉर्मल क्लोजिंग WIP की और एबनॉर्मल गेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP, मटेरियल प्रोसेस 3 का, क्लोजिंग WIP में हमारे पास जो यूनिट्स थी वो 5,000 थी प्रोसेस 2 के मटेरियल की, 3,500, 3,500, 3,500, ये है 5,000, 3,500, 2,500, 2,500, रेट है 8,4,2,1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40,000, 14,000, 5,000, 2,500, 61,500। इसी तरीके से हम वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन भी निकाल सकते हैं। मटेरियल 1, मटेरियल 3, लेबर एंड ओवरहेड्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी थी, ये सब के लिए 500 थी, तो अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है इसको। एबनॉर्मल गेन हम 100% पर वैल्यूड मानते हैं, तो यह आ जाएगा 500 यूनिट्स, रेट 15 रुपये से 7,500। ये वैल्यूएशन हो गई सारी। अब हम प्रोसेस 3 अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग WIP 2,025,750, प्रोसेस 2 से 53,000 यूनिट आई हैं 411,500 की। नॉर्मल लॉस 5% है ऑफ 2,000 प्लस 53,000 माइनस 5,000। क्लोजिंग WIP है 5,000, 2,500 है 7,500। ट्रांसफर टू प्रोसेस 4, 48,000 यूनिट है
इसकी जो वैल्यू आ रही थी 719750, और एबनॉर्मल गेन आया हमारा, इसकी वैल्यू है 7500। इसकी जो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आई थी उसकी वैल्यू थी 61500। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा 55500 7887850। अच्छा, यहाँ पे जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था वो भी लिखना होगा, क्योंकि हमने वैल्यूएशन से करी थी इसलिए वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखी। सो लिख देते हैं 197600, 97600, 48800। तो यह आया था 788750 डिलीवरी। अब वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है बट हम बना देते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे टू प्रोसेस थ्री, कितना 2500, वैल्यू है 7500। ठीक है, एक हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाते हैं। बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट 500 यूनिट है, इसकी 7500 है। इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो हम नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और बाकी की जो स्क्रैप वैल्यू है उसको ये सेल कर देंगे बाकी यूनिट्स को। ठीक है, इसमें जो बैलेंस बचेगा वो हम कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप ये जो भी क्वेश्चन जिसमें एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आता है तो उस प्रोसेस के मटेरियल को आप अलग रखें, ये इसकी एक ट्रिक है। तो उसमें आप 100% कंप्लीट माने और जो ड्यूरिंग प्रोसेस में इंसर्ट हुआ है उस मटेरियल में जो कंप्लीशन वेस्टेज है वो करें, तो आपका क्वेश्चन सिंपली आपको समझ आएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।